हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी हंगामा रिएक्शन। तो मैं मीर करता हूँ, आप सब लोग खैरियत होंगे, चाह भी होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मेरा नाम है माज और मेरा नाम है खुरम। तो यार शैली जो है ना वो पहुंच गई है मेले में। बिल्कुल, मतलब उसको पता चल चुका है कि कोहिनूर वहां पे मिलेगा और कोहिनूर ने भी जाना था। बिल्कुल, अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या, क्योंकि उसके साथ जो शक्ति कपूर है उस बेचारे के साथ बहुत बुरा होता है। लेकिन अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तेरी दुल्हन आज ही तुझे इसी मेले में प्राप्त होगी, मुस्कुरा के। इसी मेले में? हाँ। कहाँ? उत्तर में, उत्तर की ओर से पश्चिम को प्रस्थान करो, फिर पूरब की ओर देखो, दक्षिण में गंगा की धार बह रही होगी, उसमें रामधार, बीच में वो बालिका खड़ी होगी, मुस्कुरा के। और देखने में कैसी होगी? उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह पतले और मोटे है। पंडित, या तो पतले बोलो या मोटे बोलो। क्षमा करना बालक, गुलाब की पंखड़ियों की तरह पतले, मुस्कुरा के धाम। और उसकी आंखें? उसकी आंखें नींबू की फांके, मृगनयनी, मुस्कुरा के धाम। और उसका रंग? उसका रंग जैसे 10 किलो दूध में 22 किलो केसर डाल दी गई हो, मुस्कुरा के धाम। पंडित जी। हाँ जी, बोल लिए। हाँ जी, अगर आपकी बातें झूठी निकली। हाँ बालक, तो हाथ तो आप मेरा देख ही चुके हैं। मैडम, 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 मुस्कुरा के बहुत मुस्कुरा रहा है। दुल्हन के मिलने के बाद सारी जिंदगी रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा, मुस्कुरा के। जैसे 40 साल से मैं शादी करने के पश्चात आज तक रो रहा हूँ, मुस्कुरा के। नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक पहुंच गई मेले में। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। वेरी गुड, फन ना हो रहा कलप। वो नूर ने देख लिया आई थिंक। हां, सर देख रहा है, लाइक देख रहा है। हां जी, नजर इसकी तरफ है, क्लीन है। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, अमेजिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल। या कम ऑन, ये पंडित कुछ ठीक ही बोला लगता है। कोहिनूर के हाथ में हर वक्त घास होते हैं। ओ दरोगा बाबू, ये हाय का मतलब क्या होता है? हाय इतना भी नहीं जानते? जब शहरी लोग किसी को अपना दोस्त मानते हैं ना, तो उसे हाय कहते हैं। दोस्त? आइए मैडम, आइए बैठिए, मैं कोहिनूर को अभी ढूंढ के लाता हूँ। अभी गया और अभी आता हूँ। मैडम, लेकिन मेरी दक्षिणा। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, जल्दी आना। अच्छा, नजर आ, इसको क्या पता ये भी इसको ढूंढने आई है। मुलाकात करोगे चक चका चक? हो सकती है। हो क्यों नहीं सकती है, मगर उसके लिए दक्षिणा देनी पड़ेगी चक चका चक। मगर ये कहाँ का रिवाज? अरे यहाँ का रिवाज तो ऐसा ही है, हाँ। दर्शन करने के 20 रुपये, बात करने के 40 और छूने के 80 रुपये। ये तो तुमसे भी तेज निकला, सीधा चुमने की बात करता है, उसके 200 रुपये लगेंगे। ब्याह करने के कितने लगेंगे? नो भाई, साहब तो सीधा ब्याह तक पहुंच गया। उसके 500 रुपया पड़ेंगे। 500 रुपया? ये झूठ बोल रहे हैं। चका चका। उसके बढ़ा रहे हैं। हाँ। असल किस तरह है? ये बड़े पानी हैं। ये बहुत अच्छा है। कहाँ मिलेगा? अरे अरे किधर? गलत जगह घुस गया। ये भी वही मिलेगा? अभी याद कितना रहा यार। हाय। मेरे ख्याल से शेरी को भी ये नहीं पता कि यही कोई है। यहाँ भी किसी को चमत्कार करते हुए देख। ये क्या बदतमीजी है? अरे नाराज मत हो, हमको तुम्हारा रिवाज मालूम पड़ गया है। रिवाज? देखने के
देखने के 40, बात करने के। What nonsense? अब हमारे बगल में बैठ के हमसे प्यार से बात कर। अरे बैठो तो सही। ये क्या कर रहे हो तुम? अच्छा अच्छा समझ गया, पैसे दिए बगैर छू लिया इसलिए बुरा मान गई ना। ये लो 100 रुपए, ये ठीक है ना? Have you gone mad? साफ साफ बता तुम्हें क्या चाहिए। ये वो जो उसने जो बताया। मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। ब्याह? पूरे 500 रुपए दूंगा। तुम 500 रुपए देके मुझे ब्याह करना चाहते हो? मुझे मालूम है मैं थोड़ा ज्यादा दाम दे रहा हूँ, मगर मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं, मैं शादी के बाद और भी दूंगा। Shut up! अरे भाई नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हारे आदमी ने मुझे तुम्हारा इतना ही दाम बताया था। मेरा कौन आदमी? ओए? हाँ वो जो कोई भी है, उसने बताया कि तुम्हें देखने के 20 रुपए, बात करने के 40, छूने के 80, चूमने के 200 और ब्याह करने के पूरे 500। ले भाई गैया। अरे वॉइस ही आफ्टर मी लाल ऐसे जल्दी उतारी से। ओ नो शॉट मी उतारू तू साउंड मार रही है। अरे वो तो लाल के पीछे भागता है ना। ओ आ मेरा कपड़ा पहना है ना। मैं जो काचा पी इसमें रह गया। अब काचा तो नहीं उतार देता पब्लिक प्लेस है। इस बेचारे के साथ हमेशा कौन ना कौन लगा रहता है। लड़की के हाथ में ताकत ना नहीं फंस गई है तो भाई जान बचाई उसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने मेरा सौदा 500 रुपए भी किया? हो ही नहीं सकता, इतने सस्ते में मैं तुम्हारा सौदा कर ही नहीं सकता। सौदा तो मेरा हो गया, इतना तगड़ा मोटा घैसा मेरे पीछे पड़ गया और एक भैंस ने बचा भी लिया। किसने मेरा सौदा किया? अरे 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 इसने नहीं, इसने नहीं, वो तो कोई समझदार लग रहा था। What do you mean? कौन है ये पागल? Don't touch me. मैं तुम जैसे जंगल के लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। जैसे शहर के लोगों ने देखा पीछे पड़ जाते हो। तुम जानते हैं मैं कौन हूँ? ये मेरी मंगेतर है। आओ अगर 500 में सौदा हो जाता तो मैं तुमसे अब तक शादी कर चुका होता। Shut up! मंगेतर? मगर जोशी महाराज तो कह रहे थे कि बहुत खेलते हो। कोहिनूर तो जाने कोई खेल हो गया, वो हवलदार भी अभी तक नहीं आया। मुझे तो पहले से ही सब फ्रॉड लगता था। मगर क्यों दीदी, आपने तो अब तक ऐसे कितने अजीबोगरीब कारनामे करने वालों के इंटरव्यूज लिए हैं। हाँ, जो इंटरव्यू देने आते हैं ना उन्हें 100 में से 90 लोग फ्रॉड होते हैं। लेकिन ये फ्रॉड नहीं हो सकता, मेरे पापा के दोस्तों ने उसको देखा है। और फिर उस देहाती को भूल गई तुम जो हमें स्टेशन में मिला था, जो कोहिनूर को लेने आया था? उस बेवकूफ देहाती का क्या भरोसा? हाँ चलो यहाँ से सामान उठाओ। चलो टाइम वेस्ट किया। अरे मैम साहब आप उधर कहाँ जा रही है? मैं कोहिनूर को ले आया। यह कार्टून? अरे काप मत, ये गधा बेहोश तो हो जाएगा ना। अरे तू इसकी फिक्र मत कर, मैंने इसको अफीम खिला दी है। कोहिनूर सर, बीपीएल ओए आपको नमस्ते बोलता है। तो ये कोहिनूर है? अरे मैम साहब ये कोहिनूर नहीं, कोहिनूर हीरा है, हीरा। आप इसे आजमा के देखिए, आजमा के। आजमाने की कोई नहीं 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 आजमाने की बहुत जरूरत है। अरे तो साथ में गधा लेके आया हूँ। कौन सा वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला, लेकिन मेरे 5000 मिल जाएंगे। लेकिन इस गधे को नहीं, उस बैल को सम्मोहित करो। सम्मोहित? अरे रुक, कोई किधर आ रहा है? भाग रहा है। फ्रॉड! I told you, so told you. Now straight to station. आप क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं? आपको बार बार कह दिया कल 12 बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं जाएगी बहन जी। अरे व्हाट बहन जी, बहन जी, बहन जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि बहन जी, बहन जी, बहन जी, ये कानों में कुंडल पीछे चोटी, बहन जी नहीं तो क्या माँ कहूँ? यू बुड्ढा, कूल डाउन। मेरा अमेरिका का ट्रिप कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, मेरा कितने वक्त वेस्ट हो रहा है, कुछ सोच
चोय। ओके बुड्ढे, यहाँ पर कोई डिस्को है? यहाँ जानवर डिस्को करते हैं बहन जी। बुड्ढे दीदी, एक आइडिया है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करेंगे। हाँ, यानी के शेर चीतों की तस्वीरें। कैसा आइडिया है बहन जी? बहन जी ओ भाई, मजा आ गया यार। मतलब क्या यार ट्रेजेडी है यार। अच्छा मतलब ये है कि शक्ति कपूर के साथ सही सीन हो यार, उसके साथ तो मतलब हर बार कोई ना कोई सीन या पार्ट उसके साथ लगो होता है यार। अभी उसके पीछे जो ना सांड लग गया था, वो लाल कलर का पहना होता, तुझे पता है उस पे वो छोड़ते नहीं बंदे को। अच्छा कपड़े तो उतार देता है, अब उसने जो ना वो चड्डी सिर्फ पहनी होती, अगर वो भी उतारे तो नंगा हो जाएगा, उतार नहीं सकता था। और आगे उसकी वही मशूका गई को, जहाँ पे भोशेमारी कर रहा होता वो बंदा, उधर उसके साथ जब आती होती है वो लड़की, उधर मिल जाती है वो मिल जाती है तो अच्छा। अब उसको वो यूं कर, मैंने भी कहा यार आगे भैंसा आ रहा है, करेगा क्या वो बॉय, उसको एक पंच मारती वो पीछे पीछे भागता हुआ जाता। लेकिन लल्ला फिर जो सीन होता है, मजा सीन होता है प्यार भरी नजरों से, और फिर गाना गाती है भाई शक्ति कपूर, कहता है एक जगह से निकला दूसरी जगह फंस गया भाई। वो फिर वहां से फूट लेता है आराम से। और यार देखो शुरू में जो है ना जो पंडित होता है बड़ा, जो है ना कोहिनूर को बता रहा होता है ये तो वो ये वो ना, तो फिर उसको कहता है ये मेरा अपने हाथ भी देख, नरम 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 नरम। और फिर वो चला जाता ना वहां से, कहता है हंस ले है जितना हंस सकता है, जब शादी हो गई तो रोएगा जैसे आज तक मैं रो रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बात सबसे ठीक बोली थी भाई। ओ भाई उसको जो शैली कहती है ना कि तू कोहिनूर को पकड़ कर ले, तो वो किसको पकड़ कर ले आती? गंजे को। और उसने गद्दे को अफीम बुलाई होती है कि ये गद्दा बेहोश हो जाएगा जब तू चाहेगा तो। हाँ और वो देख और गधे पे उस गंजे को बिठा कर लाती है और कहती है ये कोहिनूर है। और शैली कहाँ से यकीन कर, भाई कोहिनूर हीरा है यार, वो कोहिनूर होगा तो क्या बात थी? जारी बात है। अब जारी बात है, पैसों के लिए तो हमारा उसने बोलना था। हाँ बिल्कुल, बेवकूफ बनाना चाह रहे थे ना शैली को। और वो गाय को देख कर भाई वही से भाग गया यार। और यार एक बात बताऊं, वो मास्टर वाला सीन बड़ा था, वो जब वो लड़की गई थी उसको बोलती है यार वो कोहिनूर का पता चलना, वो उसको बार बेंजी बेंजी कितना बेंजी मत बोलो बेंजी, ये शक्ति कपूर को उसका कोई हुलिया भी इसी टाइप का बना बना यार बाल बड़े हैं। हाँ और जब कहता है आपको बहन जी नहीं तो क्या माँ जी बोलूं, और उसका छोटा बच्चा भी बहन जी बोल देता है यार। शक्ति कपूर के साथ सही ट्रेजेडी होती है यार बेचारे के साथ यार। अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो बाय।